तो कैसे हैं आप लोग? आज हम आए हैं आगरा में बारबेक्यू नेशन पर, यहाँ पर इनका एक्सप्रेस लंच ट्राई करने। इसकी मैंने बहुत तारीफ सुनी थी। ये आपको GST लगाकर पड़ता है 450 रुपये का, जो कि वर्थ है। और मैंने ट्राई किया तो मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है मैं आपसे शेयर करूँगा। अनलिमिटेड होता है यहाँ पर, जो अरेंजमेंट है आप देख ही सकते हैं, बहुत ही अच्छा है। यहाँ पर सिटिंग अरेंजमेंट बहुत बढ़िया है, यहाँ का स्टाफ भी बहुत अच्छा है। और रही बात यहाँ पर खाने की, तो वो तो हम आपको दिखाएंगे ही। और खाना जिस तरीके से बनाया जाता है वो बहुत ही साफ़ सुथरा तरीका होता है। यहाँ पर किसी भी तरह की आपको हेजिटेशन फील नहीं होगी, और ना ही यहाँ पर आपको कोई टोकने वाला है, क्योंकि ये अनलिमिटेड बफे है। अनलिमिटेड का मतलब यही होता है कि आप कितना भी बेझिझक होके खा सकते हैं। पर मेंबर इस पे जो खर्चा आता है, जो आपका बिल आएगा, वो आएगा 450 रुपये। आप देख सकते हैं कितना अच्छा एम्बियंस है। एम्बियंस की वजह से ही खाने का टेस्ट बढ़ता है, मैं हर वीडियो में अपने बोलता हूँ। तो कैसा रहा मेरा एक्सपीरियंस, मैं धीरे धीरे आपको सब शेयर करूँगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अलग अलग स्टॉल्स हैं, यहाँ पर आपको अलग अलग स्टॉल्स पर अलग अलग खाना देखने को मिल जाएगा। वेज और नॉन वेज दोनों ही होता है, स्टार्टर मेन और जो आपका स्वीट्स है वो भी यहीं आपको मिल जाएगा। ये दाल मखनी और स्टीम राइस थे, और ये आपका है गोभी मुसल्लम एंड मिक्स वेज। आप देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से या नीट एंड क्लीन तरीके से यहाँ पर आपको सर्व किया जाता है। और ये है आपका कढ़ाई पनीर। रंगत देख के आपको अंदाज़ा लग रहा होगा कि स्वाद बहुत ही अच्छा होगा। ये आपके स्टार्टर्स वगैरह आ जाते हैं। ये आपका चाउमीन है, नूडल्स हैं, और आपका चिली पटेटो हो गया। देन आपको ये बिरयानी मिलती है। और ये आपका नॉनवेज में जितने भी स्टार्टर्स हैं आप देख सकते हैं। यहाँ एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी कि आपको यहाँ ढूंढना कुछ नहीं पड़ता, बस आपको बता दिया जाता है कि मेन कोर्स में क्या क्या है, कितना है, वेज में कितनी क्वांटिटी है, और क्या क्या आइटम इन्होंने ऐड किए हैं और क्या क्या नहीं है, ये आपको पहले ही क्लियर कर देते हैं। तो जो क्वांटिटी आपको मिलती है, और जो आप देखिए इतना सब कुछ मैं आपको दिखा रहा हूँ, आपको देख के ही अंदाज़ा लग रहा होगा कि इतना वर्थ है। आप पैसे के हिसाब से देखिए, अगर आप कहीं एक सिंगल जो मील है या सिंगल आप कुछ भी मतलब कुछ भी ऑर्डर करते हैं, तो 300 रुपये तो नॉर्मली ही होता है। और ये देखिए थाली लग चुकी है, कितना बढ़िया, इतना सब कुछ एक बार में, मुंह में पानी आ जाएगा। मेरे तो मुंह में पानी देख के आ ही गया था ऑलरेडी, आप लोगों के भी आ रहा होगा। तो एक एक करके ट्राई करता हूँ। अभी मैं ये जो ट्राई कर रहा हूँ ये पूरा नॉनवेज ही है, बहुत टेस्टी था। आपको थाली देख के अंदाज़ा लग गया होगा। इसके साथ जो चावल थे वो भी अच्छे थे, काफ़ी बढ़िया थे। और ये देखिए ये पीस जो है, ये चिकन का पीस बिल्कुल पूरा चिकन चिली था, ये बहुत अच्छा था, एकदम आपको फ्रेश मिलता है, गरम गर्मा गर्म परोसा जाता है। और देखिए मैं आप तारीफ भी कर रहा हूँ वहाँ के स्टाफ से। और आपको आप जब जाना हो तो आप पहले ही एक बार, मैं ये कहना चाहूँगा कि एक बार आप वहाँ जाके पहले ही अपनी बुकिंग कर लें, क्योंकि ये जो टाइमिंग्स होती हैं लंच की होती हैं, तो यहाँ को ऑफिस वाले बंदे भी काफ़ी आते हैं, तो हो सकता है कि आपको सीट ना मिले, तो वो एक बार आप कंफर्म जरूर कर लेना। मैंने ये वेज स्टार्टर्स भी ट्राई किए थे, स्नैक्स थे, बहुत अच्छा था। ये आपका हनी चिली पटेटो भी था, और कॉर्न्स थे, और लॉलीपॉप था, एंड ये आपका तंदूरी पनीर है, पनीर टिक्का, बहुत ही टेस्टी था, सब कुछ बहुत अच्छा था। ये नूडल्स थे, मतलब मैं आपको क्या बताऊँ कि इतना टेस्टी खाना था, मैं रोक ही नहीं पाया। सूप भी बहुत अच्छा था। और इतना सब कुछ खाने के बाद फिर मैंने ऑर्डर किया इनका एक मसाला कोला करके था, ये बहुत ही रिफ्रेशिंग था, बहुत ही टेम्पटिंग था, और इसका टेस्ट आहा इतना प्यारा था, जलजीरा जैसा था, बहुत ही प्यारा था, आप ट्राई करना। और फिर मीठे के बिना तो बात बनती ही नहीं है, इतना सारा मीठा देख के मैं कहाँ रुकने वाला था। मुझे तो वैसे भी डेजर्ट्स बहुत पसंद है, और ये जो आपको प्लेट में दिख रहा है ये सब उसी में इंक्लूड है। एंड आइसक्रीम भी है, वो भी मैंने ट्राई किया था, बहुत टेस्टी है, छोटे साइज के हैं,
लेकिन टेस्ट एक नंबर था। आप मेरे एक्सप्रेशन से ही देख के समझ गए होंगे, बहुत अच्छा टेस्ट था और फिरनी भी बहुत अच्छी थी। आपको ओवरऑल बहुत मज़ा आने वाला है, आप एक बार ट्राई ज़रूर करना जाके। और खाने का तो एक नंबर टेस्ट है, एक नंबर। अगर आप आगरा से हैं और आपको कुछ अच्छा खाना तो एक बार ज़रूर ट्राई करें। देखिए आइसक्रीम और रसगुल्ले का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है, इसके बिना सब कुछ अधूरा रहता है। तो एक बार ज़रूर आए, ये डेजर्ट्स ज़रूर ट्राई करें, खाना पूरा ट्राई करें। और चीयर्स, बहुत अच्छा लगा मुझे, आई होप कि आपको भी वीडियो अच्छा लगा होगा।